3 देखिए क्या कह रहा है। राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर 257 बाई 5000 इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर एम इंटू 5 का पावर एन, वेयर एम एंड एन आर नॉन निगेटिव इंटीजर, हेंस राइट द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो पहले हम लोग इसको फॉर्म कर लेते हैं 2 का पावर एन और इंटू 5 का पावर एन में इसके डिनोमिनेटर को, ठीक है। चलिए तो क्या है आपके पास 257 और बाई में 5000 है, यही ना है। चलिए तो 5000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नहीं कटेगा। चलिए 5000 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से ले जाएंगे 2500, 2 से ले जाएंगे 1250, 2 से ले जाएंगे 625। फिर अब यहाँ पे कितना से ले जाओगे आप 5 से, कितना टाइम्स में तो 125। फिर 5 से ले जाएंगे कितना टाइम्स में तो 25 टाइम्स में, 5 से ले जाएंगे 5 टाइम्स में। तो यहाँ पे हम लोग 257 और बाई में 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 लिख सकते हैं। चलिए तो इस फॉर्म में आ गया ना। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इसका डिनोमीटर इस फॉर्म में आ गया 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 हो गया इसका डिनोमीटर, है ना। हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है हमने किस फॉर्म में कर दिया 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 ला दिया। चलिए अब इसे मैं अगर मुझे इसे चेंज करना होगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन के डेसिमल में तो क्या करूँगा, तो मैं 257 बाई 5000 को विदाउट एक्चुअल डिवीजन में चेंज करने के लिए 257 और बाई में 2 का पावर देखो यहाँ मैं 4 कर देता हूँ और 5 का पावर 4 कर देता हूँ। तो एक 2 नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर 514 आ जाएगा और नीचे आपका 10 का पावर 4, 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दें तो 0.0514 यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट।